शहर की मील कॉलोनी निवासी तथा जे स्काई चैनल के कार्मिक 32 वर्षीय धीरेंद्र अग्रवाल अपनी मौत के बाद भी दो लोगों की दुनिया रोशन कर गए। अग्रवाल की आकस्मिक मौत के बाद दृष्टि सेवा संस्थान अध्यक्ष एसएन शर्मा की प्रेरणा से परिजनों ने नेत्रदान करवाकर एक मानव सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। परिजनों की सहमति के पश्चात अजमेर आई बैंक से ब्यावर पहुंचे डॉक्टर कुलदीप शर्मा तथा डॉक्टर भरत शर्मा ने नेत्रदान हेतु सुरक्षित रूप से मृतक की आंखों से कार्निया प्राप्त किए तथा आई बैंक अजमेर भिजवाए। अब उक्त कार्निया से दो नेत्रहीन लोगों की दुनिया रोशन होगी। मालूम हो कि मील कॉलोनी निवासी तथा जय स्काई चैनल के कार्मिक धीरेंद्र अग्रवाल की गुरुवार सुबह तबीयत खराब हो गई थी। परिजनों ने उन्हें उपचार हेतु राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया था। दौरान उपचार उनकी मौत हो गई। अग्रवाल की मौत की जानकारी मिलने पर दृष्टि सेवा संस्थान के अध्यक्ष एसएन शर्मा उनके मील कॉलोनी स्थित निवास पर पहुंचे तथा परिवारजनों से बातचीत करते हुए उन्हें नेत्रदान हेतु प्रेरित किया। इस पर उनकी माताजी शोभा गुप्ता तथा धर्मपत्नी निशा अग्रवाल ने नेत्रदान हेतु सहमति प्रदान की, जिसके बाद नेत्रदान की प्रक्रिया संपन्न करवाई गई। नेत्रदान के दौरान संजय मंगल, रवि प्रकाश बुधिया, मोनिका सोनम, परी रुद्र, अजय अजमेरा, कुलभूषण उपाध्याय, वरुण साखला, नरेंद्र जयस्वानी, अजय अग्रवाल, जितेंद्र अग्रवाल, श्याम गुप्ता, श्रवण गर्ग, राम अवतार गुप्ता, दीपक चतुर्वेदी, मुरारी लाल, पुष्पेंद्र कश्यप आदि उपस्थित थे। इसी प्रकार दृष्टि सेवा संस्थान की प्रेरणा से गुरुवार को रामसापीर कॉलोनी निवासी प्रेम प्रकाश आश्रम के प्रमुख सेवाधारी 62 वर्षीय हरीश कुमार लालवानी का भी मृत्यु उपरांत नेत्रदान करवाया।